हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था टू सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। हम लोगों ने टू सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइड्स इन चीज़ों को पढ़ा था उनके सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के आधार पर। यानी हम लोगों ने बात किया था कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साइज के आधार पर हम लोग टू सॉल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइड्स में किसी सॉल्यूशन को डिवाइड कर सकते हैं। हम लोगों ने इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांसपेरेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग ऑफ लाइट, इन सारी चीजों के आधार पर उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कोलाइड्स के बारे में, थोड़ा सा और बात करना है और ये देखना है कि कोलाइड्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसे पार्टिकल्स जिसमें सॉल्यूट का जो साइज होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के बीच में आता है। यानी ऐसे सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस हुज पार्टिकल साइज come into the range of 1 nanometer to 100 nanometer are called colloids। इन्हीं को क्या कहते हैं? colloids कहते हैं। तो colloids क्या होते हैं? ऐसे solutions जिनके particle का size जो होता है वो 100 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आता है, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? कोलाइड्स कहेंगे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कोलाइड्स जो होते हैं वो हेटरोजीनस होते हैं। कोलाइड्स आर हेटरोजीनस सॉल्यूशंस बट appears to be homogeneous। लेकिन ये देखने से कैसे लगते हैं कि ये homogeneous solution है, हालांकि ये होते कैसे हैं? होते तो heterogeneous है लेकिन ऐसा लगता है कि ये homogeneous solution है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं उनको कैसे क्लासिफाइड करें। यानी कई प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। कोलाइड्स को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो कोलाइड्स जो होते हैं ये केवल क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड में ही नहीं होते हैं बल्कि ये गैस में भी हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम कोलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस। तो कौन कौन से क्लासेस हो सकते हैं? तो सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं वो है सॉल। सबसे पहला क्या है? सॉल। फिर सॉल के बाद क्या आता है? सॉलिड सॉल। फिर क्या आएगा? एरोसॉल। सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्शन। फिर आता है फोम। फिर आएगा सॉलिड फोम।
और फिर जेल, तो इतनी चीजें आती हैं, सॉल, सॉलिड सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम और जेल, इतने प्रकार के क्लासेस में हम लोग किसी भी कोलाइड सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो अब सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे वो ये कि सॉल किसे कहते हैं, सॉल क्या चीज है, कैसे सॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर हम लोग बात करेंगे सॉलिड सॉल के बारे में। तो सॉल जो है वो वह कोलाइड होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स होते हैं जिसमें लिक्विड मीडियम में, यानी जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। तो सॉल इज अ कोलाइड, सॉल्ट इज ए कोलाइड इन विच टिनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू लिक्विड मीडियम सॉल जो है वो कोलाइड्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं। किसमें डिस्पर्स होंगे, लिक्विड मीडियम में। तो एग्जांपल अगर देखें इसका कौन कौन सा हो सकता है, ये तो इंक, सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन, ये सब सॉल बनाते हैं। इसके साथ साथ जो पेंट्स होते हैं, मोस्ट पेंट्स, अधिकांशतया जो पेंट्स होंगे ये सभी क्या होते हैं, सॉल होते हैं। तो फटाफट नोट करिए इनको, फिर हम लोग देखते हैं सॉलिड सॉल किसे कहते हैं, सॉलिड सॉल क्या होते हैं। बिटा ले, अगला हम लोग देखेंगे सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल क्या होता है, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड मीडियम में ही डिस्पर्स होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल क्या होंगे, द कोलाइड्स इन विच dispersed phase and dispersion medium both are solids, दोनों कैसे हो, solid हो। ऐसे सभी कोलाइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड सॉल कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे क्या ले सकते हैं, जितने भी जेम स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स मतलब जो लोग अंगूठी में पहनते हैं, जो रत्न होते हैं, जैसे टोपाज है, जैसे पुखराज है, जैसे नीलम है, जैसे पन्ना है, जैसे रूबी है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो जेम स्टोन्स कहलाती हैं और सब सॉलिड सॉल होते हैं। सॉलिड सॉल का मतलब हो गया कि ऐसे कोलाइड्स जिसमें, ऐसे सभी कोलाइड्स जिसमें डिस्पर्स फेज यानी सॉल्यूट और डिस्पर्सन मीडियम यानी सॉल्वेंट दोनों क्या हो, सॉलिड हो, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सॉलिड सॉल कहलाते हैं। अब आपकी बात एरोसॉल की, एरोसॉल क्या होता है, तो कोई भी एरोसॉल जो है वो एक ऐसा कोलाइड्स होता है जिसमें सॉलिड या लिक्विड, कोई भी सॉलिड या लिक्विड जो है वो डिस्पर्स होता है गैस में। तो द कोलाइड्स इन विच कोलाइड्स इन विच
सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इनटू गैस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्स फेज जो है वो क्या है, वो सॉलिड या लिक्विड है, जबकि डिस्पर्सन मीडियम गैस है। यानी जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, लेकिन डिस्पर्सन मीडियम जो होगी वो क्या होगी, गैस होगी। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपको कोलाइड्स मिल जाएंगे। जैसे हम लोग बात करें तो हेयर स्प्रे जो होता है, जिसको लोग कहाँ करते हैं, सिर पे मारते हैं, बालों में मारते हैं, तो हेयर स्प्रे जो है वो क्या है, एरोसॉल है। इसके साथ साथ फॉग, मिस्ट, ये सब क्या है, क्लाउड्स, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब एरोसॉल कहलाते हैं। अब हम लोग बात करें इमल्शन का। इमल्शन किसे कहते हैं, इमल्शन क्या चीज होता है? तो अ सॉल्यूशन, या इस तरह से लिखे कि एन इमल्शन इज ए कोलाइड इन विच, एन इमल्शन इज ए कोलाइड इन विच माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड तो इमल्शन जो होते हैं वो ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिसमें लिक्विड के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो दूसरे लिक्विड के अंदर मिले हुए होते हैं। यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो दोनों लिक्विड होता है, तो इसको हम लोग इमल्शन कहेंगे। अब जो एक जो डिस्पर्स फेज होगा वो डिस्पर्सन मीडियम में दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में पता नहीं चलता है। जैसे मिल्क है, मिल्क के अंदर ऑयल के ड्रॉपलेट्स होते हैं, घी होती है मिल्क के अंदर, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, तो मिल्क एक इमल्शन है। जैसे बटर, फेस क्रीम एटसेट्रा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इमल्शन कहलाते हैं। फिर अगली चीज जो आती है वो है फोम क्या होता है, तो द फोम इज ए कोलाइड इन विच ए गैस, द फोम इज ए कोलाइड इन विच ए गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड। फोम एक ऐसा कोलाइड होता है जिसमें गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स होती है, यानी गैस जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स होगी और इससे बहुत सारा झाग बनता है, फोम बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोम कहते हैं। तो अगर एग्जांपल में देखें कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, तो सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, बियर फोम एटसेट्रा। बियर के अंदर भी जो है वो बहुत ज्यादा झाग बनता है, तो बियर के जो फोम होंगे वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी एक कोलाइड सॉल्यूशन है, और कोलाइडल सॉल्यूशन होने के कारण उसको हम लोग किसके श्रेणी में रखते हैं, फोम की श्रेणी में रखते हैं। तो अगला अभी हम लोगों को क्या देखना है, सॉलिड फोम क्या होगा, सॉलिड फोम किसे कहते हैं।
तो द सॉलिड फोम इज ए कोलाइड इन विच सॉलिड फोम इज ए कोलाइड इन विच सॉलिड फोम जो है वो कोलाइड्स होता है जिसमें गैस इज डिस्पर्स इन सॉलिड मीडियम इन विच गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम जिसमें गैस जो होती है वो सॉलिड मीडियम में डिस्पर्स्ड होती है तो सॉलिड फोम वो कोलाइड है जिसमें गैस जो है वो डिस्पर्स्ड होती है किसमें सॉलिड मीडियम में जब तो इसका एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल है इंसुलेटिंग फोम इसका एक एग्जांपल है क्या इंसुलेटिंग फोम फोम रबर स्पंज एटसेट्रा ये सब क्या होते हैं ये सब सॉलिड फोम होते हैं और लास्ट जो क्लास है कोलाइड्स का वो है जेल जेल किसे कहते हैं जेल क्या चीज होता है जेल जो है वो सेमी सॉलिड कोलाइड्स भी कहलाता है जिसमें क्या चीज होता है एक कंटीन्यूअस नेटवर्क होगा सॉलिड पार्टिकल्स का और ये डिस्पर्स होता है किसमें लिक्विड में तो जेल इज known as semi solid colloids जेल जो है वो सेमी सॉलिड कोलाइड्स के नाम से भी जाना जाता है अब इसमें होता क्या है इन विच ए कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड into liquid. जेल जो है वो एक सेमी सॉलिड कोलाइड्स होता है जिसमें एक कंटीन्यूअस सॉलिड का नेटवर्क जो है वो लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होता है तो जैसे जेलीज मार्केट में बिकती हैं जेली और क्या चीज है जिलेटिन जेलीज एंड जिलेटिन एटसेट्रा नोन एज जेल इन्हीं को हम क्या कहते हैं जेल कहते हैं तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स तो फटाफट आप लोग कर लीजिए इसको अब हम लोग एक नई चीज की बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशंस के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है जब आप लोग बड़े क्लासेस में पढ़ोगे तो भी इसका बहुत ज्यादा से ज्यादा यूज करना है आपको तो क्या चीज है वो फटाफट इसको नोट करिए फिर हम लोग बात करते हैं हो गया हम लोगों ने देखा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर के बना होता है ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी और ये दो पार्ट क्या होते हैं एक तो होता है क्या सॉल्यूट एक क्या होता है सॉल्यूट दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट होता है ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बनता है इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की उपस्थिति कितनी है सॉल्यूट की उपस्थिति कितनी है तो अगर सॉल्यूट को देखें तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट जो लेस अमाउंट में उपस्थित है वही क्या कहलाएगा सॉल्यूट और Which is present in large excess amount
दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो इस तरह से किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तो बात हो गई। अब देखो कि इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट तो द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अभी क्या जानना है हम लोगों को? हम लोगों को जानना है कि किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम कैसे जाने, किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट कितनी मात्रा में उपस्थित है, इस बात का हम कैसे पता लगाएं। तो इस बात का पता हम लोग दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो क्वालिटेटिवली, क्वालिटी के आधार पे। तो क्वालिटेटिवली सॉल्यूशंस को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा कि इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट तो द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। तो अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इससे एक आइडिया मिलता है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट अगर कम है तो वो डाइल्यूट है, अगर ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेट है। बट इट डज नॉट गिव द आइडिया दैट हाउ मच सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है ये चीज नहीं बताता है। थोड़ा है लेकिन कितना, ज्यादा है लेकिन कितना, ये चीज नहीं पता होता है। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना उपस्थित है उसी को हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन जो है बताता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक या इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी दी गई मात्रा में, किसी भी सॉल्यूशन के दिए गए मात्रा में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग पहले तो कैसे? क्वालिटेटिवली। और फिर कैसे डिटरमिन करते हैं? क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली में तो हम लोग सिंपली उसको बोल देते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इसमें सॉल्यूट कम मात्रा में उपस्थित है, या फिर कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो थोड़ा अधिक मात्रा में उपस्थित है। बट यू कांट से अबाउट द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो उस चीज को हम लोग क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन कहते किसे हैं, क्या चीज होती है कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करें, कैसे डिफाइन करें। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट की वह मात्रा जो किसी सॉल्यूशन के दी गई मात्रा के अंदर उपस्थित होता है वही उस सॉल्यूशन का क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। या इसी को इस तरह से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट मिला हुआ है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन। या अगर मान लो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड हो, तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या हो, लिक्विड हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगी डेफिनेशन, कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्वेंट का कितना ml जो है वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित है, उसी को हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, यानी उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी कितनी मात्रा, या सॉल्यूट की कितनी मात्रा जो है वो घुली हुई है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कई सारे मेथड्स हैं कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, मान लो कि आपके पास, मान लेते हैं कि आपके पास 100 ml 100 ml HCl सॉल्यूशन है। HCl का आपने सॉल्यूशन बनाया, 100 ml लिया। अब HCl का सॉल्यूशन में HCl क्या होगा, HCl सॉल्यूट होगा, और किसमें इसको घोलेंगे, वाटर में। तो वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्या होगा, वाटर सॉल्वेंट होगा। अब 100 ml में HCl और H2O दोनों उपस्थित है। अब देखने की बात यह है कि इस सॉल्यूशन में HCl कितना है। मान लेते हैं कि हमने 70 ml वाटर लिया, 70 ml क्या लिया, वाटर, और इसमें 30 ml क्या मिलाया, HCl। टोटल कितना हो गया, 100 ml। सॉल्यूशन में HCl कितना था, 30 ml। अब अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना हो, तो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना, 100। क्योंकि जब भी कॉन्सेंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, कितना परसेंट कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है। अब देखो, इसमें इस सॉल्यूशन में 30 ml जो है वो HCl है, और वही क्या है, सॉल्यूट है। 70 ml कितना, 100 ml सॉल्यूशन में ये अवेलेबल है, इनटू कितना हो गया, 100। 100 से 100 कैंसिल, कितना कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, 30%। यानी जो ऊपर दिया गया सॉल्यूशन है, ये 30% कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड वाटर, HCl और वाटर का ये 30% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। तो 30% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 30 ml जो है वो HCl है, जबकि बाकी के 70 ml क्या है, वाटर है। बाकी का 70 ml क्या है इसके अंदर, वाटर है। अगर मान लो कि सॉलिड सॉल्यूट घुला हुआ हो, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना हो गया, 100 हो गया। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, कैसे निकाले मास ऑफ सॉल्यूशन,
दैट इज इक्वल टू मॉस ऑफ सॉल्यूट प्लस मॉस ऑफ सॉल्वेंट। दोनों के मॉस को निकाल करके जोड़ लेंगे, पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन का मॉस कितना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? ठीक है, तो ये चीज जो थी इसको तो हम लोग मॉस परसेंट या वॉल्यूम परसेंट कहते हैं। ऐसे और भी चीजें हैं जिनके द्वारा हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिटा ले इसको, आइए मिटा लेते हैं भाई, देखते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जिनके द्वारा हम सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन कर सकते हैं। तो इन चीजों को जानने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जाननी है, क्या चीज, जिसे कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स या सिंपली मोल्स कहते हैं। मोल्स क्या चीज है? हालांकि इस चीज के बारे में डिटेल आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा जाएगा तो उसमें मोल के बारे में पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीजें मोल्स के बारे में जाननी है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। किसी भी पदार्थ की मात्रा को हम मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं, और मोल इक्वल टू होता कितना है, वन मोल जो है दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। वन मोल जो है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, जो कितनी है 6.022 × 10⁻¹⁰ कितना 23 पार्टिकल्स होते हैं। 10⁻³³ पार्टिकल्स, 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसी को हम लोग मोल कहते हैं। यानी वन मोल क्या है, ए ग्रुप ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स, 10⁻²³ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स या फिर क्या, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मॉलिक्यूल। ए ग्रुप ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल, इसी को हम क्या कहेंगे, वन मोल कहते हैं। समझ आ रही बात? अब मोल्स को या नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करें, तो नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू मॉस ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मॉस, मोलर मॉस ऑफ सब्सटेंस। ध्यान देना इस बात को कि मॉस ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मॉस ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम कन्वर्ट इनटू मोल्स। अगर 23 ग्राम सोडियम को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मोल में, तो मॉस ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन सा है, सोडियम, मॉस ऑफ सब्सटेंस कितना है, 23 ग्राम। इसका मोलर मॉस कितना है, वो भी 23 ग्राम है, तो कितना मोल हो गया, वन मोल। ठीक है, तो अभी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या क्या होगी, इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला यही है, मॉस ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना है 22 ग्राम, और अपॉन मोलर मॉस ऑफ सब्सटेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मॉस कितना होगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू कितना, 44। तो मोलर मॉस हो गया कितना, 44, 22 बन जाए 22 टू का यानी 0.5 मोल। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 0.5 मोल होते हैं। तो इस तरह से हम मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम आपको और भी कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए मेथड्स बताने वाले हैं, हालांकि वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, फिर भी आप जाने रहिए, तो उन सारी चीजों में इन मोल्स का इस्तेमाल होना है, इसलिए हमने इसको बताया। तो और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, तो बता रहे इसको,
चलिए भाई देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला तो अभी आप लोगों ने जो पढ़ा वो था मॉस परसेंट, दूसरा भी आपने पढ़ा जिसको क्या कहते हैं वॉल्यूम परसेंट, तीसरा और इम्पोर्टेंट जो मेथड है जिसके द्वारा हम लोग कंसंट्रेशन को निकालते हैं वो है मोलैरिटी, फिर अगला मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, फिर क्या आता है पीपीएम जिसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, फिर क्या आता है नॉर्मैलिटी, और फिर क्या आता है फॉर्मैलिटी। तो ये सारे टर्म हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी, ये सारी वो यूनिट्स हैं जिनके द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी आपको इतना जानने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल थोड़ा बहुत जान सकते हैं मोलैरिटी को, मोलैरिटी को और मोल फ्रैक्शन को। तो ये सारी चीजें हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे कि मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है और मोल फ्रैक्शन क्या है, और फिर आप बड़े क्लासेस में जाओगे तो पीपीएम, नॉर्मैलिटी और फॉर्मैलिटी के बारे में आपको बताया जाएगा। तो तब तक आप इतनी सारी चीजों को प्रिपेयर करिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।